रजत नगर नाम के एक गांव में सुष्मिता अपने पति और सास और एक बेटी जिसका नाम था काजल उनके साथ रहा करती थी। सुष्मिता के परिवार को खाने का बहुत शौक था, इसलिए सुष्मिता हर रोज अलग अलग पकवान बनाया करती थी जिसकी तारीफ हर कोई करता था। यहाँ तक कि सारा गांव सुष्मिता के हाथ के खाने की खुशबू लेता था। क्या बनाया है आज खाने में? खाने की खुशबू गांव के बाहर तक आ रही है। बनाया तो बहुत कुछ है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ जी। काजल तुम भी जल्दी आ जाओ बेटा। आई माँ। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू, पता नहीं क्या डालती हो खाने में जो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। सच में सुष्मिता, तुम्हारे हाथ का खाना अगर कोई खा ले तो उसे कुछ और पसंद ही ना आए। मेरी माँ सबसे बेस्ट है, उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। अरे बस बस, अब तारीफ ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? अरे सुष्मिता, कल मेरे कुछ दोस्त और मेरे बॉस आ रहे हैं खाने पर। ऑफिस में जिद कर रहे थे कि कभी भाभी के हाथ का खाना खिलाओ, तो मैं मना नहीं कर पाया। और बॉस अगर खुश हो गए तो मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल मैं ऐसा पकवान बनाऊंगी कि आपके बॉस आपको डबल प्रमोशन दे देंगे। सुष्मिता सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर घर से बाहर कहीं जा रही थी, तभी काजल की आंख खुलती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ आप कहाँ जा रहे हो? जादुई मसाला लाने। जादुई मसाला? वो क्या होता है माँ? अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें भी ये राज बताऊंगी। मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या माँ? नहीं बेटा, अब तुम सो जाओ, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगी। ठीक है माँ। सुष्मिता के पति के दोस्त और बॉस उनके घर आते हैं। घर के बाहर से ही उन्हें खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। वाह राकेश, तुम्हारा घर तो पूरा पकवान की खुशबू से भरा पड़ा है। हाँ, हमें तो खुशबू से ही ज्यादा भूख लग गई है। सब लोग हंसने लगते हैं। अरे आप सब खुशबू से पेट मत भरिए, खाना तैयार है, आइए सब बैठिए। सुष्मिता सबके सामने कई तरह के पकवान रखती है जिससे सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुष्मिता सबको अच्छे से खाना परोसती है और सब लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। राकेश तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है जिसके हाथों में जादू है। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत खुश हूँ। सब लोग खाना खा के सुष्मिता की बहुत तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। राकेश उन सबको बाहर छोड़कर वापस कूदते हुए आता है। तुम्हें पता है सुष्मिता, आज तुम्हारी वजह से प्रमोशन मिला है, बॉस तुम्हारा खाना खा के बहुत खुश हुए। मेरी मम्मी का जवाब नहीं। सब लोग खुशी से गले लग जाते हैं। काजल भी अब बड़ी हो चुकी थी और वो अब अपनी माँ से खाना बनाना सीखती थी। काजल चलो खाना बनाने में मेरी मदद कर दो बेटा। माँ आज नहीं, कल, आज मुझे सहेली के घर जाना है। अरे अभी तुम बड़ी हो गई हो, अभी से खाना बनाना सीख लो, आगे चलकर बहुत काम आएगा। आप है ना माँ, आपसे तो कभी भी सीख सकती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ये लड़की भी ना, क्या करूँ मैं इसका। वक्त बीतता गया और काजल हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती जिससे वो रसोई से बच जाए, पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन बहुत तेज बुखार के कारण सुष्मिता की मौत हो गई और काजल एकदम अकेली हो गई। कुछ समय बाद काजल के पिता ने काजल की शादी करा दी और वो खुद तीरथ पर चले गए। आइए खाना लग गया है जी। माँ जी आइए आप भी खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। काजल सबको खाना परोसती है। काजल और कुछ नहीं खाने को? क्या हुआ जी, खाना पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, पर खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। बहू हमने तो सुना है तुम्हारी माँ के हाथों में जादू था, तो तुमने कुछ नहीं सीखा अपनी माँ से कि कैसे ससुराल वालों का ख्याल रखा जाता है?
मैं कुछ बना लाती हूँ माँ जी। अब रहने दो, भूखी मर गई हमारी तो। सब खाने से उठकर चले जाते हैं और काजल को बहुत दुख होता है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, जब वो उसे खाना बनाना सीखने को बोलती थी। काजल रोज कोशिश करती पर उसके ससुराल वालों को और उसके पति को खुश नहीं कर पाती। आज ऑफिस में पंकज को प्रमोशन मिल गया क्योंकि उसकी बीवी ने बॉस को बहुत अच्छा खाना खिलाकर खुश कर दिया था। सीखो कुछ दूसरों से, आज ये प्रमोशन मेरे बेटे को मिलता, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मौका भी चला गया। काजल कोशिश कर करके हार चुकी थी। एक दिन वो रात को बैठकर रो रही थी, तभी उसकी माँ की आत्मा उसके सामने आ गई। काजल बस करो बेटी, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं काजल, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हें उस जादुई मसाले का राज बताने चली आई। हाँ माँ, प्लीज मुझे बताओ तुम वो जादुई मसाला कहाँ से लाती थी? काजल, हमारे घर के पीछे एक जंगल है, उस जंगल में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तुम माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करोगी तो वो तुम्हें जादुई मसाला अवश्य देंगी। मेरी माँ ने मुझे ये राज बताया था, आज मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, हमेशा खुश रहना बेटा। काजल अपनी माँ के बताए गए जंगल में जाती और अन्नपूर्णा माँ के आगे प्रार्थना करती है। तब अन्नपूर्णा देवी उसे दर्शन देती है और एक जादुई मसाला उसे देती है। काजल देवी का धन्यवाद देकर घर आकर उसी मसाले से खाना बनाती है। काजल, आज तो खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। हाँ बहू, क्या कमाल किया है आज तुमने, तुमने तो दिल खुश कर दिया है। आपने कहा था ना कि मैंने माँ से कुछ नहीं सीखा, देखिए मेरी माँ ने ही मुझे सिखा दिया है। काजल का नाम भी अपनी माँ की तरह दूर दूर तक रोशन हो गया। सब लोग काजल के खाने के दीवाने हो गए, और तो और काजल के पति को काजल के खाने की वजह से प्रमोशन भी मिल गया। सीख, आपकी माँ जब तक आपके साथ है उनकी कद्र कर लीजिए, माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और ना ही उनके हाथ के जैसा स्वाद कहीं हो सकता है। हर माँ के हाथों में जादू होता है।